हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज सुबह का मौसम बहुत ही ठंड भरा है, बहुत ठंड है क्योंकि रात से बारिश हो रही है और सर्दियों के दिन में बारिश मतलब कि ठंड और अधिक। तो देख रहे हैं आप, मिट्टी कैसे गीली गीली हो रही है, रात से बूंदाबांदी हो रहा है और सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, ठंड बहुत बढ़ गई है। और अब मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में कुछ मैं बना चुकी हूँ और कुछ मुझे बनाना है, जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना चुकी हूँ और ये मेरे लिए है। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में अपने लिए बना रही हूँ पोहे। और आप लोग कैसे पोहा बनाते हैं ये मुझे बताइएगा। तो मैं तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाली हूँ या सरसों तेल, आप अपने पसंद के तेल डाल सकते हैं। और मैं आज आलू वाले पोहे डालूँगी, सॉरी आलू वाले पोहे बनाऊँगी। आलू वाले पोहे के लिए सबसे पहले मैं इसमें चने का दाल डाली हूँ और उसमें थोड़ा सा राई डाली हूँ। चने का दाल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद हो तो नहीं डालें, बट मुझे बहुत पसंद है। तो दाल जो है वो तेल में थोड़ा चटकने लगा है और अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन कलर का होने लगा है। तो इसके बाद मैं इस स्टेज पर डालूँगी करी लिप्स। मेरे घर में ही करी लिप्स हैं तो मैं मार्केट से नहीं लाई हूँ, यहीं पे मतलब घर का ही करी लिप्स है, तो मैं इसे तोड़ के डाल चुकी हूँ। तो ये करी लिप्स है, ये भी हल्का फ्राई हो गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी आलू, और आलू डाल के मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी। जब तक आलू भून रहा है इसका फ्लेम मैं कम कर दे रही हूँ और मैं अब एक राउंड अपने घर का लगा ले रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है अभी सो के जगह है या सोया हुआ है। तो मैं एक राउंड जब तक लगाई तब तक ये आलू का जो कलर है वो थोड़ा सा और गोल्डन हो गया है और हल्का सा पक भी गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी और उसके बाद इसमें फिर मैं प्याज डालूंगी, और प्याज डाल के भी आप भूनेंगे थोड़ा सा। तो मैंने इसके लिए एक आलू और एक प्याज लिया है। तो आलू तो मेरा भून चुका है, प्याज थोड़ा सा भूनेगा और जब तक ये प्याज गोल्डन होता है मैं इसे चलाती हूँ हल्का सा। और मैं पोहे भी धो के रख चुकी हूँ। पोहे अगर तुरंत धो के रखें तो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, लेकिन अगर पहले से धोकर पोहे बनाने से 5 मिनट पहले अगर धो के रखिए तो पोहे काफ़ी खिले खिले होते हैं और बहुत बढ़िया होता है। तो इसमें मैं नमक डाली हूँ। नमक डालने से क्या होता है कि आलू जो है वो जल्दी पक जाता है, तो मैं नमक इसमें डाल चुकी हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें एक टमाटर भी डालूँगी, और यहाँ पर मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में भूनने के टाइम में डालेंगे ताकि इसका जो कच्चापन होता है, कच्चा सा जो टेस्ट आता है वो थोड़ा सा 2 मिनट भूनने के बाद नहीं आता है, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो लगभग मेरा ये भी भुन गया है और मैं अब इसमें एक टमाटर में डाली हूँ, छोटा सा टमाटर में डाली हूँ क्योंकि पोहे में मुझे टमाटर पसंद है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है लेकिन मुझे बहुत पसंद है पोहे में टमाटर। तो मेरा टमाटर भी लगभग भुन चुका है, 2 मिनट और भुनेगा और उसके बाद फिर मैं इसमें पोहे डालूँगी। तो देखिए टमाटर मेरा भुन चुका है और देखिए पोहे जो है वो मुझे धो कर छान के रखे हुए थे एकदम खिले खिले हो गए हैं। तो अब मैं पोहा डाल के इसमें को भूनूंगी। तो ये पोहा जो है वो भून चुका है और देखिए कितना बढ़िया हो गया है। तो और थोड़ा सा और पोहा डाल के भूनूंगी। ये फटाफट बनने वाला रेसिपी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बन जाता है और इजी भी है और हेल्दी भी है। बस सर्दियों में तो बहुत
सारी सब्जियां डाल के भी पोहे बनाए जाती है। आप चाहे तो शिमला मिर्च, मटर, गाजर, बीन्स डाल के आप पोहे बना सकते हैं। बट मेरे पास अभी कुछ था नहीं, बस आलू और प्याज था और टमाटर था, तो मैंने यही तीनों डाल दिया है। और पोहे हैं तो चाय तो बनती ही है, तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक कप चाय चढ़ा लेती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं दूध में जो हल्का पीला पीला आ रहा है, वो एक्चुअली मलाई रह गया था दूध में, तो उसी की वजह से ये हल्का पीला पीला लग रहा है। और मैं इसमें अदरक डाली हूँ। अदरक डालने के बाद फिर मैं इस पे चाय की पत्ती डाली हूँ और उबल रहा है चाय की पत्ती और अदरक। और ये देखिए लगभग मेरी चाय तैयार हो चुकी है। तो अब मैं चाय छान लेती हूँ, और छानने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम से बैठ कर पोहे और चाय का मज़ा लेती हूँ। और अभी मेरा बेटा जो है वह सो रहा है, तो मैं अपना फटाफट नाश्ता कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है वो कभी भी जग जाते हैं तो फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। और यहाँ पर कार्तिक जो है वो ड्राइंग कर रहा है, इसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। और ये बुक जो है ना, वो ये स्कूल के बुक फेयर से ख़रीदा था, और ये पोकेमोन का बुक है। इसे कार्टून्स कैरेक्टर वाले बुक बहुत पसंद होते हैं, और स्कूल से अक्सर इसको मिल ही जाता है होमवर्क में, मतलब प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग। तो ये अपना खाली टाइम में ड्राइंग करता है, या कुछ वैसा काम करता है जो इसको इंटरेस्ट होता है जिस काम में। तो अभी सुबह से बैठकर ये ड्राइंग ही कर रहा है। और आपके बच्चे खाली टाइम में क्या करते हैं, छुट्टी के टाइम में, ये मुझे बताइएगा। और ये जो इसका ड्राइंग है, इसको क्या आर्केस आर्केस कहते हैं। और ये इसके बारे में बता रहा था मुझे, ये गॉड ऑफ द पोकेमॉन है, और इसका कलर भी ये कर रहा है। और ये बुक जो तो बहुत महंगी है, मैं तो खरीदने के पक्ष में नहीं थी, बट इसके पापा कभी इसको ना कहते ही नहीं है, जो है खरीद लो। तो यही है। और अब मैं नाश्ता भी कर ली हूँ, और मेरा बेटा अभी सो रहा है, तो वो जागेगा, उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम में लगूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।